भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दुनिया की इंतहा तक तेरा नाम है मुबारक। हो दुनिया की इंतहा तक तेरा नाम है मुबारक। है बुजुर्ग सजदा करते तेरा ताज है मुबारक। तेरी सना यहोवा मैंने जिंदगी सजा आज का संदेश वैंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलुरु से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाले सब श्रोतागण को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आप सबको प्रभु आशीष दे। हम लोग उद्धार संबंधित संदेशों को इन दिनों में स्टडी करके आ रहा है। मैंने पहले भी बताया, मसीह जीवन का नींव उद्धार से शुरू होता है। जब तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, एक व्यक्ति को मसीह कह नहीं सकता। भले आप मसीह परिवार में पैदा हुआ होगा, यीशु मसीह का वचन काफी सुन चुके होगा, यीशु मसीह के बारे में ज्यादा जानकारी हो सकता है, आप चर्च में गया होगा, मसीह लोगों के साथ संगति करते होगा, मसीह लोगों का प्रार्थना और बाइबल अध्ययन अच्छा लगता होगा, उससे आप यीशु मसीह का बेटा हो नहीं सकता। आपका जीवन में सबसे पहले ये अनुभव होना चाहिए, मैं पाप के साथ जन्म लिया और पाप के कारण मैं अनंत काल का सजा जो नरक में जाने वाला, अपना कोई अच्छा कर्मों के द्वारा मुझे पाप क्षमा नहीं मिलेगा। इसलिए परम पवित्र परमेश्वर, जो दयालु जीवित परमेश्वर, मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, मेरा और आपका जैसे पार्थिव शरीर ले लिया और मुझे पाप से बचाने के लिए अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया। तो आपको विश्वास करना है वही एकमात्र परमेश्वर मेरे लिए और सारा मानव जाति के लिए कलवरी क्रूस पर अपना जान दे दिया। और आपको अंगीकार करना, मेरा पाप यीशु मसीह पर विश्वास करने से पाप का क्षमा मिलेगा, मुझे अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि प्रभु करुणामय परमेश्वर है, ओ प्रभु की दया से आपको पाप क्षमा पा सकता है। मेरा जीवन में इसी प्रकार 32 साल से पहले पाप क्षमा पाया, आज मैं प्रभु का बेटा है, मुझे एक अच्छा धन्य आशा है, आज मर जाएंगे तो मैं परमेश्वर के पास में जाएंगे। इसलिए मैंने शुरू से बताया, जो नए सिरे से जन्म होने के बारे में यूहन्ना रजिस्टर समाचार 3 अध्याय और इसका जो 3 पदों में हम लोग देख लिया है, पहले ही यीशु मसीह ने बताया, जब तक नए सिरे से ना जन्मे आप परमेश्वर का राज्य में जा नहीं सकता। जब तक आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, आप परमेश्वर का राज्य में जा नहीं सकता है। और मैंने इस प्रभु को स्वीकार किया और मेरा जीवन धन्य हो गया। सो दो चीजों के बारे में हम लोग देख लिया, एक तो परमेश्वर की आत्मा, दूसरा है जल जो परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। केवल परमेश्वर का वचन आपका जीवन में कार्य कर सकता है। जब प्रभु का वचन आप सुनते हैं, पवित्र आत्मा उसमें कार्य करते हैं, उस समय पाप का वो एक निश्चयता आपका जीवन में देता है। और पाप के बारे में जानकारी आने पर आप प्रभु पर, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरा पापों को क्षमा करे, तब आपका पाप क्षमा मिल जाएगा।
भजन संहिता 51:4 में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग 4 में पढ़ते हैं, मैंने केवल तेरे की विरुद्ध पाप किया। बाइबल का एक किताब है भजन संहिता, इसका 51:4 में बताते, मैंने ते केवल तेरे की विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। यहां पर भजनकार क्या बताते हैं, जो भी पाप मनुष्य करते हैं और परमेश्वर का खिलाफ में करते हैं, भले आप कोई व्यक्ति का खिलाफ में जो झूठ बोला होगा, नहीं तो किसी भी व्यक्ति का चीज चोरी किया होगा, लेकिन बाइबल का वचन बताता है आप परमेश्वर का खिलाफ में पाप किया है। इसलिए 5वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, हर एक मनुष्य अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपना मादा के गर्भ में पड़ा। एवं जो दाऊद राजा, जो इसराइल का राजा था, राजगद्दी में बैठने वाला, कोई चीज का कमी नहीं, लेकिन वो बता रहे मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मैं पाप के साथ जन्म लिया और मैं नरक में जाने वाला। प्यारे भाइयों, हम लोग पाप परमेश्वर के खिलाफ में करता है, इसलिए बाइबल बताता है सारा पाप किया हुआ व्यक्ति, जो पाप की सजा जो मृत्यु है, रोमियों का किताब 6:23 में बताता, हम अनंत काल का सजा भोगने वाला था। लेकिन यहां पर जो यशायाह नबी का किताब 53:6 में बताता, यशायाह नबी का किताब पुराना नियम का किताब इसका 53:6 में बताते, हम सबका पाप परमेश्वर उसके ऊपर डाल दिया है। ध्यान सुनिएगा, हम पाप किया लेकिन वो पाप का सजा पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर डालकर हमें पाप से छुटकारा दिया। ऐसा कोई संदेश दुनिया में कहीं भी सुने हैं, कोई धर्म में, कोई भी संस्था में ऐसा संदेश सुना है? केवल बाइबल ही संदेश दे रहा, हमारा पापों की सजा यीशु मसीह पर डाल दिया, ये बाइबल का संदेश है। जो कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह मर गया, सारा मानव जाति का पाप उन्होंने अपने ऊपर डाल दिया, और यीशु मसीह हम सबका पाप के बदले क्रूस पर मर गया, मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा। मुझे सुनने वाला आज कोई भी व्यक्ति इस पाप में रहने वाला है, नरक में जाने वाला, आज यीशु मसीह बुला रहा है, आइए मेरे पास, मैं तुम्हें पाप क्षमा देना चाहता। मेरी प्रार्थना यही है आज इस वचन के द्वारा आपका जीवन बदल जाए, आपका जीवन में यीशु मसीह आए, आपका जीवन धन्य हो जाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।